उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली में हुई भाजपा की अहम बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सीट सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ेगी। एक दो दिन में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए। पूरी तैयारियां हैं। अब हम इससे पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, चुनाव घोषित होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीते। एनडीए के साथियों को जिम्मेदारी मिलेगी? हाँ, सब पूरा परिवार हमारे साथ। सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों भाजपा कोर कमेटी ने जिन नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था उन पर चर्चा के बाद एक एक नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। बैठक में मीरापुर सीट को लेकर रालोद को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह सीट पहले भी रालोद के पास ही थी। निषाद पार्टी जरूर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार उसे कोई सीट नहीं मिलेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मौर्य को निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से बात करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि करहल, मिल्कीपुर, कटेरी, कुंदर की गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझुआ और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि रालोद और निषाद पार्टी के पास एक एक और भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें विधानसभा चुनाव में पहले थी। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के साथ ही कांग्रेस से गठबंधन कर उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 2 सीटें दे सकती है। बसपा भी ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अवध अंसारी के साथ मैं अभिनेन्द्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।